अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के दिन में जनाब आप लोगों को बोलेंगे खुश आमदीद। इस वक्त जनाब मैं ओस्लो से गोथेनबर्ग जा रहे हैं, स्वीडन का एक शहर है। हमने कहा जनाब आए हुए हैं तो स्वीडन को भी ज़रा थोड़ा हेलो हाय बोल दें। मेरे साथ इस वक्त कासिम है, कासिम ड्राइव कर रहे हैं इस वक्त, और पीछे बैठे हुए हैं जनाब इमरान साहब, छोटे भाई। इस वक्त जी एक मज़ेदार चीज़ नज़र आई है, गाड़ी खैर आगे निकल गई है, अब कासिम साहब पकड़ेंगे उसको, देखते हैं। यहाँ पे किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल वाला सीन नहीं है। हमारे दो गाड़ी है हमसे आगे जो है, कोई डिप्लोमेटिक गाड़ी जा रही है, ब्लू नंबर प्लेट है जिसकी, यहाँ पे ब्लू नंबर प्लेट के अंदर जो है सिंगल गाड़ी, बेचारा खजर होता हुआ जा रहा है, तो मोस्ट लाइकली कोई एम्बेसडर वगैरह ही होगा इसके अंदर। तो किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल नहीं है ये। अगर आप देखें हर बंदा अपनी लेन में जा रहा है, ये जो आगे वाली गाड़ी जा रही है इससे अगली गाड़ी जो है वो डिप्लोमेटिक गाड़ी है। तो और ये जनाब कासिम साहब की इलेक्ट्रिक गाड़ी है, मुस्तांग, फोर्ड मुस्तांग है जनाब, ठीक है। इन्ना वड्डा साडे घर टीवी नहीं होता जिन्ना वड्डा इन्होंने एलसीडी लाती है इतने। ये पूरी जनाब नॉर्वे के अंदर जो इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं वो ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर है। पेट्रोल रिच कंट्री होने के बावजूद इनका जो मेजर फोकस है इस वक्त वो इलेक्ट्रिक कार्स पे है, और इसके काफी सारे ये बेनिफिट्स भी देते हैं। काफी मिल गए इसके, बताइए यार कोई एक दो बेनिफिट बताइए कि आपने ये इलेक्ट्रिक गाड़ी क्यों चूज की, इसके क्या फायदे क्या है? इसके तो मेन जो बेनिफिट है, पहले तो ज्यादा से पहले ये है कि आप जो आपको टूल्स वगैरह पड़ते हैं वो फ्री है, इसके ऊपर टैक्स कोई नहीं है गाड़ी के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा जब क्योंकि नॉर्वे में आपकी बस की एक अलग लेन होती है, हाँ, बाकी ट्रैफिक जाम होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक जो गाड़ी है अगर दो बंदे बैठे हुए हैं तो वो उस लेन को यूज कर सकते, अभी भी कर सकते हैं उसकी। ये है जी वो डिप्लोमेटिक गाड़ी जो मैं बता रहा था ये जा रही है, वो आप लेन भी यूज कर सकते हैं, और आपको काफी जहाँ पे जो पार्किंग जो है वो आपको मतलब काफी चीप या ऑलमोस्ट फ्री मिल जाती है, आप इलेक्ट्रिक कार है, ठीक है, आपके पास है। तो ये इनका नॉर्डिक्स का मॉडल है कि इन्होंने जो अब बाकी जगह पे दुनिया में रेप्लिकेट हो रहा है कि इसको और मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियों को थोड़ा सा प्रमोट किया जाए। अच्छा, इसकी चार्जिंग वगैरह का क्या सीन होता है, जगह जगह अवेलेबल है इसके स्टेशन? हाँ, जैसे घर में तो लगा हुआ है एक चार्जर, लेकिन इसके अलावा जैसे पाकिस्तान में एक ट्रेंड आया था ना, हर दो किलोमीटर के बाद एक सीएनजी स्टेशन, जी जी जी, तो वो सिचुएशन है इधर, हर आपको 5-10 किलोमीटर के बाद 2 किलोमीटर के बाद आपको कोई चार्जिंग स्टेशन जो मिल जाता है, और वो जो एक्सप्रेस चार्जिंग स्टेशन है। अच्छा, मतलब आप ये नहीं कि आप कहीं जा रहे हैं तो मतलब आप आधा घंटा घंटा वो मोबाइल की तरह चार्ज करके वो आप लगाएंगे तो आपको यूजली डिपेंड्स ऑन योर बैटरी, ठीक है, आपको मतलब 20-80% तक लेके जाएगा 15-20 मिनट में, 25 मिनट में। Precisely, सुपर फास्ट चार्जर या फास्ट चार्जर जिसको कहते हैं ये वो है, बिल्कुल। अच्छा, आप कासिम इसी डोमेन के अंदर जॉब भी कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि अभी आने वाला जो टाइम है उसके ऊपर पूरी दुनिया में डेफिनेटली काम हो रहा है, लेकिन जो मुझे नॉर्वे में इस वक्त नजर आया है, दुबई में भी मैंने देखा है बहुत सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां वहां पे भी चलना शुरू हो गई, लेकिन यहाँ पे जो इस वक्त मंडी लगी हुई है इलेक्ट्रिक कार्स की, उसके ऊपर क्यों ये इतना ज्यादा फोकस करें? इनके पास तो यार पेट्रोल है ही बहुत ज्यादा, ये तो मैं कहता हूँ पेट्रोल खुला सड़कों पे भी फेंके तो खत्म ना हो, तो क्या वजह है? एक तो चीज है कि पेट्रोल इनके पास बहुत है, मतलब तेल जिसको मतलब ऑयल काफी ज्यादा है इनके पास, और इसको ये मतलब इसकी वजह से रिच भी है काफी ज्यादा, तो अब ये देख रहे हैं कि मतलब आगे फ्यूचर के अंदर जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है जो है वो काफी क्या कहते हैं मतलब करेगी, तो ये नॉर्वे हमेशा लगे कि 5 मिलियन की पॉपुलेशन है, एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो ये दे वांट टू बी एग्जांपल ग्लोबली के ना, हम जो है दिखाएं दुनिया को कि हम किस ना एक शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम ऑयल टू ग्रीन एनर्जी वाली साइड पे। बिल्कुल सही है। अब 5 मिलियन का जो पोल्यूशन है, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों मतलब जो धुआं आएगा ऑयल वाली गाड़ियों से, वो इतना इम्पैक्ट दुनिया में नहीं करेगा, बट दे वांट टू बी द एग्जांपल। बिल्कुल, वो जिसको भी एडवोकेट मतलब ये करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये अपनी इकोनॉमी को ऑयल से दूसरी साइड पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑयल का पता नहीं फ्यूचर है 10 साल है 20 साल है 50 साल है 70 साल है, सो आपको नहीं पता, तो ये भी इनका एक है कि दे वांट टू शिफ्ट देयर आई मीन इकोनॉमी फ्रॉम ऑयल टू अदर थिंग्स। बिल्कुल सही, एंड अगेन दे वांट टू स्टार्ट फ्रॉम होम। बिल्कुल सही है। अभी जिस तरह डीजल गाड़ियों का मैंने सुना है कि यहाँ पे 2025 के अंदर या 30 के अंदर बिल्कुल खत्म करने जा रहे हैं, ठीक है जी। हम लोग एक स्वीडन की मार्केट है, ये नॉर्वे और स्वीडन के बॉर्डर के पास लगती है, यहाँ पे प्राइसेस जो हैं काफ़ी कंट्रोल्ड हैं कंपेयर टू नॉर्वे, तो नॉर्वे से बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ से बल्क में परचेज करके चले जाते हैं, तो यहाँ पे मुख्तलिफ शॉप्स बनी हुई हैं जिसके अंदर आपकी कैंडी शॉप्स भी हैं जहाँ से आपको चॉकलेट्स वगैरह मिलती हैं, मीट शॉप भी है, फ्रेश डेयरी शॉप्स भी है। आइए आपको एक कैंडी शॉप पर लेके चलता हूँ। ये जनाब देखिए यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडी शॉप है, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर डिफरेंट वैरायटी आपको लगी हुई है, ये मैं आपको एक थोड़ा सा वॉक थ्रू भी करवाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इसमें बाय द वे हलाल वाली भी लगी हुई हैं
और नॉन हलाल भी लगी हुई हैं, जिसके ऊपर इन्होंने रेड टैग लगाया हुआ है, उसमें जेलेटिन फ्री है वो हलाल होगी, जिस पे रेड टैग नहीं लगा हुआ वो हलाल नहीं है। तो ये इस पर इतनी बेतहाशा वैरायटी है, इतनी वैरायटी मैंने, दुबई में भी बहुत बड़ी बड़ी कैंडी शॉप हैं लेकिन इस लेवल की वैरायटी मैंने आज तक नहीं देखी। और ये इसमें से ज़्यादातर जो हैं ये नॉर्वे की और स्वीडन की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें ये देखें हर डिफरेंट तरह की वैरायटी आपके पास अवेलेबल है। कैंडीज, सॉफ्ट कैंडीज़ भी हैं, हार्ड कैंडीज़ भी हैं, चॉकलेट भी हैं, गमीज़ भी मौजूद हैं, हर तरह की वैरायटी यहाँ पे मौजूद है, जिसको जो लेना है वो ले सकता है। बाय द वे इसका अच्छा जो रेट है ना वो पर केजी के हिसाब से है, ये आई थिंक 199 करोड़ पर केजी है। आप कोई भी इसमें से प्रोडक्ट उठा सकते हैं, उसका रेट सेम रहेगा। इस साइड पे आते हैं तो यहाँ पे आपको ये चिप्स वगैरह लगे हुए हैं, और ये एक और स्टोर इसके साथ ही लगता है जिसके अंदर ये सारी की सारी ग्रॉसरी स्टोर है, और इसका भी साइज़ बहुत बड़ा साइज़ है। इसका भी हर तरह की वैरायटी आपको मिलती है यहाँ पे, ख़ास तौर पे अगर आपको बल्क में कुछ चीज़ें लेनी है तो उसमें आपको बड़ा फ़ायदा हो जाता है। अब यहाँ पे ये देखें, ये शकरकंदी है, पाकिस्तान की और नॉर्वे की शकरकंदी में फ़ायदा फ़र्क देखें कितनी बड़े साइज़ में है, और इसकी प्राइस भी आप देखें 29.90 करोड़ पर केजी लगी हुई है। तो इसी तरह अगर आप आगे जाते हैं तो ये आपको प्याज पाकिस्तान में बड़ा नायाब हुआ हुआ है, ये और भी बाकी चीज़ें सारी लगी हुई हैं। तो इसमें यहाँ पे प्राइसेस का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, ख़ास तौर पे अगर आपको फ्रेश डेयरी प्रोडक्ट लेनी है तो उनमें तो एक अच्छा खासा डिफरेंस है। और दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो हलाल प्रोडक्ट हैं उनके सेपरेट काउंटर बने हुए हैं, बल्कि आगे एक और शॉप में आपको मैं लेके चलूँगा वहाँ पे भी आपको ये देखिए ये सारी की सारी ये शॉप जो है ये मुकम्मल हलाल शॉप है। यहाँ पे कोई भी चीज़ आप ख़रीदते हैं बेफिक्र होके बिंदास होके आप ख़रीद सकते हैं, हर चीज़ यहाँ पे हलाल है। और यहाँ पे इसके जो ज़्यादा कस्टमर भी हैं वो देसी हैं, देसी से मुराद है कि पाकिस्तानी मुस्लिम हैं, इंडियन मुस्लिम आते हैं, बंगाली आते हैं, यहाँ ज़्यादातर अफ्रीकन आते हैं, यहाँ पे सोमाली वगैरह यहाँ पे आते हैं, अरब बहुत आते हैं। ये देखें ये ओजड़ी लगी हुई है, ये देखें ये आपको पाए भी मिलेंगे, ये छोटे छोटे पाए हैं जनाब, उसके साथ ये पूरे पूरे पैकेट बने हुए हैं। इसके साथ ही अगर आगे आप देखें तो मज़ीद आपको ये बटेर वगैरह भी लगे हुए हैं, ये देखें ये बटेर हैं जनाब। तो ये भी आप चाहें तो हर तरह की वैरायटी यहाँ पे आपको मिलती है, और सारे का सारा हलाल है, और प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है नॉर्वे की निस्बत यहाँ पे। इस वक्त हम लोग नॉर्वे से स्वीडन में एंटर हो रहे हैं, ये एक इनका पूरे का पूरा ब्रिज है जिसके ऊपर इस वक्त ये खूबसूरत मंज़र नज़र आ रहा है आपको चारों इतराफ़ में, ये दोनों साइडों के ऊपर समंदर नज़र आता है, और इतना पुरकशिश यहाँ से इसका नज़ारा है, शायद कैमरे की आँख इसको उस तरह से कैप्चर नहीं कर पाएगी जो हकीकत में नज़र आता है। यकीन करें कि मज़ा आ गया ये नज़ारा देख के। ये कोई प्राइवेट बोट लेके आ रहा है, और इसकी भी देखें वेव्स कितनी खूबसूरत बन रही हैं। तो यहाँ से आप जैसे ही दूसरी साइड पे आते हैं तो एक साइड पे ये स्वीडन है, दूसरी साइड पे नॉर्वे है, और ये सिर्फ ये एक बीच में ये बोर्ड लगा हुआ है। और ये देखिए ये मेरे जो है इस वक्त स्क्रीन पे एक साइड पे नॉर्वे और एक साइड पे स्वीडन, लेफ्ट पे स्वीडन राइट पे नॉर्वे, ये स्वीडन है जनाब, और अगर मैं दूसरी साइड पे देखूँ ये नॉर्वे है। सिर्फ ये एक बॉर्डर के ऊपर एक लाइन लगाई हुई है, इसके अलावा किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी, मेरा एक पाँव नॉर्वे और एक स्वीडन में है, कोई सिक्योरिटी नहीं है किसी किस्म का, कोई यहाँ पे जो है वो वाघा बॉर्डर की तरह लंबे लंबे 7 फुट के फौजी खड़े नहीं किए हुए। इस साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं आराम से गुजर के दूसरी साइड पे चली जाती हैं। तो यहाँ पे ये एक किस्म का पिक्चर पॉइंट भी बनाया हुआ है, लोग आते हैं अपनी पिक्चर्स वगैरह लेते हैं। तो ये नॉर्वे वाली साइड पर इस वक्त खड़े हुए हैं, दूसरी साइड पर आप आएँगे तो आप दूसरा पाँव आपका स्वीडन में आ जाता है। तो ये इन्होंने जनाब एक बड़ा खूबसूरत सा यहाँ पे एक व्यू बनाया हुआ है, कोई आपको जो है वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास शेंगेन वीज़ा है तो आप आराम से बॉर्डर क्रॉस करके जा सकते हैं, कोई आपको चेक करने वाला नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक और साइड का आपको दूसरी साइड पे अगर व्यू दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए ये उसकी आगे वाली साइड आ जाती है। तो यहाँ पे ये रास्ते में जब आप स्वीडन में एंटर होते हैं तो आपको जगह जगह पे ये बहुत ही ह्यूमंगस साइज़ की जो है ये टरबाइन नज़र आती हैं, जो विंड टरबाइन है यहाँ से ये बिजली पैदा करते हैं, और ये सारी की सारी बिजली जो है ये इसके जो नियरेस्ट एरियाज़ हैं उनको प्रोवाइड की जाती हैं, और ये हर थोड़े थोड़े वक्फे के बाद आ रही हैं और ये हवा से ही चल रही हैं। ये एक दफ़ा मैंने कराची से हैदराबाद जाते हुए भी रास्ते में देखी थी, लेकिन उनका साइज़ इतना बड़ा नहीं था, इसका तो साइज़ बहुत ही जाइगेंटिक साइज़ है, और ये जगह जगह पर लगी हुई हैं पूरे स्वीडन के अंदर। ले जनाब आपको एक और बहुत ही मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ, ये मैं जिस भी जगह पे जा रहा हूँ ना तो इस तरह की ये बॉक्सेस ये डब्बियाँ जो हैं बड़ी खूबसूरत सी मुझे नज़र आ रही हैं। तो मैंने ये भाई से पूछा कि यार ये है क्या, तो कासिम भी साथ थे उनसे भी पूछा,
ये जनाब आम जुबान में ये इतनी खूबसूरत पैकिंग में जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये नस्वार है। कराची में इसको कई चीनी के नाम से है। ये छोटे छोटे पैकेट्स बने हुए हैं, इन पैकेट्स के अंदर इनको रख के ये पैक किया जाता है। ये सबसे महंगे वाली यहाँ पे मोस्ट प्रीमियम वाली लगी हुई है। ये आपकी 40 करोने से लेके 60 करोना, 65 करोना, 70 करोना का है। इसमें छोटे छोटे पैकेट आते हैं, ये पैकेट आप निकालते हैं मुंह में रख लेते हैं, जैसे ही वो पैकेट आप यूज़ कर लेते हैं तो इसी डब्बी के ऊपर वाले कंपार्टमेंट में जगह बनी है, वहाँ पे आप उसको डिस्पोज कर देते हैं ताकि आप गंद नहीं पिलाएं। तो ये जनाब यहाँ की लोकल नस्वार है और इसको यहाँ से बाहर लेके जाना अलाउ नहीं है। ये भी जनाब हम इस वक्त जो है स्वीडन से वापस नॉर्वे की तरफ जाते हुए ये खूबसूरत पुरकशिश नज़ारा नज़र आ रहा है। ये भी हम इस वक्त दूसरे ब्रिज से एंटर हुए, आते हुए हम दूसरे ब्रिज से थे क्योंकि उस साइड से हमने ये ब्रिज जो नज़र आ रहा है इस साइड से थे क्योंकि हमने शॉपिंग करनी थी। तो अभी जाते हुए हम जा रहे हैं बड़े ब्रिज से, ये नया ब्रिज बना है। तो ये जनाब ने जी ये हमने ब्रिज क्रॉस किया और इस वक्त हम दोबारा नॉर्वे के अंदर एंटर हो गए हैं। तो आज के इस व्लॉग में बस इतना ही जनाब।